हेलो दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था तो बच्चों ने काफ़ी कोशिश की कुछ बच्चों के कम मार्क्स आए कुछ के ज़्यादा बन रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं हालांकि अगर आप थंबनेल देखोगे आज की वीडियो का वो थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन मैं यहाँ पर जो है कुछ अलग बात करना चाहता हूँ एक बिटर ट्रूथ की बात करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो यहाँ पर हमें चीज़ें बताई जाती हैं और घोता गया है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ तो ये इस केस के अंदर मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूँगा जो आपको भी सोचना है क्योंकि आपके पेरेंट्स ने पैसे दिए मुझे दिए या हमें दिए या किसी और इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे पैसे दिए लेकिन अब उस पैसे का क्या तो क्या हमें कुछ देखना पड़ेगा कि हर बार की तरह जैसे आते हैं या कोई भी यूट्यूब पे आता है और वो ये बोल के चला जाता है कि यू पी एस सी अनप्रडिक्टेबल और वो निकल जाता है आपके पैसे आपके पेरेंट्स के घर से गए हैं आपकी जेब से गए हैं उनकी जो खून पसीने की कमाई से गए हैं वो पैसे कौन देगा उस पैसे का हुआ क्या तो इसके ऊपर मैं पहले बात करना चाहता हूँ जो आपको ये समझना है बिकॉज़ इस फील्ड के अंदर मैं काफ़ी टाइम से हूँ मैंने ऑनलाइन पे क्या चल रहा है ऑफलाइन पे क्या चल रहा है इन सभी के थ्रू मैंने पढ़ाया भी है बहुत जगह और यहाँ पे मुझे उसका एक्सपीरियंस भी है लेकिन जो नया बच्चा आता है जिसको हम इनोसेंट बोलते हैं उसको ये चीज़ें नहीं पता होती तो उसके बारे में मैं बात करूँगा पहला ये क्वेश्चन है कि हम सभी बोलते हैं यू पी एस सी इज़ अनप्रडिक्टेबल ठीक है कोई बात नहीं तो अनप्रडिक्टेबल की बात हुई है ना बट उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने गए एग्ज़ाम के अंदर आपके कम मार्क्स आए तो फॉल्ट किसका है क्या वो यू पी एस सी का है बिकॉज इट इज़ अनप्रडिक्टेबल वो तो हर बार अलग पूछने लग जाती है या उस टीचर का है जो आपको पढ़ाता है जिसने आपको पढ़ाया है कि इस तरह से हम यू का जो है तैयारी करेंगे या फिर आपका दोष है इसका जो है बेसिकली फॉल्ट किसका है ये क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर आपके पैसे लगे हुए हैं आपके पेरेंट्स के पैसे लगे हुए हैं आपके पेरेंट्स आपसे ये उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा ज़रूर जो है एग्ज़ाम क्लियर करेगा चलो यू नहीं तो स्टेट निकाल लेगा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब उसको मिल जाएगी बट लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है अभी रिसेंटली मैंने देखा कि कल से मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चों का कमेंट भी आए कि यू ने इस बार सबको हिला डाला या कुछ इस तरह से वो कमेंट थे तो वो कमेंट आपको अभी एक ईगो डिफेंसिव नेचर आता है जैसे मान लीजिए सौ बच्चा एग्जाम देने गया तो सौ का सौ जो है वो पास नहीं होगा अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से मैं काट दूँ कि प्रोडिक्टेबल है यूपीएससी ने बोला कि ठीक है हम इजी क्वेश्चन देते हैं बट क्या इजी क्वेश्चन से जो है तब सभी बच्चों की सिलेक्शन हो जाएगी तभी भी नहीं होगी है ना तो अगर आप यहां पे देखोगे अभी हम देखते हैं यूपीएससी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो लेट्स से जो कट ऑफ मार्क्स है हम मानते हैं कि हंड्रेड है तो आपके नाइनटी के राउंड बन रहे होंगे अगर ईजी दे दिया तो वन है तो कुछ बच्चों के वन बन रहे होंगे तब भी वो शॉर्ट रह जाएंगे तो इसीलिए दोस्तों इसकी बात करना बहुत जरूरी है यूपीएससी क्या क्या फॉल्ट है नहीं है बिकॉज यूपीएससी पी अनप्रडिक्टेबल है अगर हम इस बात को मान भी लें तब भी यूपीएससी ने तो एग्ज़ाम लेना है चाहे वो ईजी पूछे चाहे टफ पूछे बच्चे उसने उतने ही लेने हैं तो यूपीएससी को यहाँ से हम निकाल देते हैं दूसरा हमारे पास कौन बचा टीचर यानी कि मैं हूँ यहाँ बहुत से टीचर हैं ऑनलाइन पर आप देखते हो बहुत से टीचर पढ़ाते हैं अब यहाँ से आपको ध्यान देना है अब इसको मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी जो शायद किसी ने YouTube पे नहीं की होंगी ठीक है अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए टीचर आपके जो पेरेंट्स हैं आपने क्या किया उन्होंने पैसा दिया ठीक है तो एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे आते हैं और इन्होंने पैसा दिया टीचर को टीचर जो है अब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पे जो यू पैटर्न है यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चों को कुछ चीज़ें बताएं ठीक है कि हाँ ये वाली जो चीज़ें हैं ये यूपीएससी के हिसाब से पूछी जा सकती हैं दूसरा है ऐसे जो कंसेप्ट हैं उनके जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे इसीलिए आपने पैसे दिए इसीलिए आपने पैसे दिए हैं इसलिए पैसे दिए हैं।, हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हमें क्योंकि हम नए हैं हम इनोसेंट हैं तो हमें नहीं पता कि यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे कंसेपचुअल क्लैरिटी लेनी है तो ये किसको पता है ये टीचर को पता है तो हम आपको पैसे देते हैं और आप हमें ये काम बताओगे अब यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ठीक है अब उस एग्ज़ाम के अंदर आपका जो है वहां पे आपको लगता है कि यार यहां से तो कुछ आया ही नहीं तो फॉल्ट किसका है क्या एस्पिरेंट का एस्पिरेंट ने तो ट्रस्ट किया ये तो एक ट्रस्ट है ठीक है तो फिर अकाउंटेबल कौन हुआ अकाउंटेबल दोस्तों ये टीचर है अकाउंटेबल है कि उसने पैसे लिए आपसे आपको चीज़ें पढ़ाने के लिए और उस पढ़ाई में से अगर बच्चे को नहीं आता तो फिर उसके लिए टीचर अकाउंटेबल है और हमेशा ही रहेगा हो सकता है कि टीचर ने पढ़ाया हो बच्चे ने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया तब हम मान सकते हैं कि एस्पिरेंट की गलती है बट अगर वहाँ पे टीचर ये कह के निकल जाता है कि यूपीएससी पी है और यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि हमें इसके अंदर बच्चों ने पढ़ाई नहीं होगा या किसी ने कवर नहीं करवाया होगा तो वो दोस्तों अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग रहा है ये एक बिटर ट्रूथ है अब जितना ही क्योंकि टीचर के लिए ये एक एक्सक्यूज़ अगर हम बोल सकते हैं कि ये एक एक्सक्यूज़ बन गया है आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें ऐसी कि वो पहले ही जो है एग्ज़ाम के टाइम पे बोलने लग जाते हैं कि यूपीएससी पी अनप्रडिक्टेबल है ये किसने किया होगा ये किसी स्टूडेंट ने नहीं किया होगा स्टूडेंट कैसे करेगा अगर टीचर ने नहीं करवाया तो स्टूडेंट कैसे करेगा तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एटलीस्ट इतना तो कवर करें कि ताकि बच्चे की जो है वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए अभी जो कल हमने जो आंसर की दी थी ना वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर था जो जिसका स्क्रीन आपने देखे होंगे वहाँ पर उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन पेपर भी एक एस्पिरेंट का ही है और वहाँ पे आप देखोगे और उसने बहुत से क्वेश्चन सही किए हैं वो भी तो कहीं से पढ़ा होगा वो भी उसने भी तो उसको अटेम्प्ट किया है और उसका मोस्ट लाइकली प्री क्लियर हो जाएगा तो हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि अकाउंटेबल कौन है तब तक हमारी बात नहीं बनेगी तो एस्पिरेंट की क्या यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि एक तो एटलीस्ट जो है ऐसा ना हो कि हम बोलें अनप्रडिक्टेबल है और बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं अब उनको लगता है कि हम खुद तैयारी कर लेंगे तो उनका चांस बन सकता है लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे ये बात करते हैं कि यूपीएससी जो है बहुत डिफ़िकल्ट है तो उस बच्चे को भी लगने लग जाता है यार मेरे से खुद से होगा ही नहीं मुझे भी लगता है कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा फिर वो घरवालों को बोलता है दिल्ली जाता है पाँच पाँच लाख रुपया आपको पता है एक साल का लगता है जहाँ पे दो लाख वो ले जाते हैं आपका रहने का खाने का ये सारा खर्चा तो वहाँ पे उन बच्चों को डिस्करेज हमने नहीं करना ये आपको ध्यान देना है तो एज ए टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बातें आपसे शेयर करूँ चाहे मैं हूँ मैं भी अकाउंटेबल हूँ अब यू क्या करती है हर साल एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट पूछ लेती है जैसे लास्ट ईयर हिस्ट्री के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो वो चल जाता है लेकिन ओवरऑल एज ए इंस्टीट्यूशन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना पेपर आए जिस बच्चे ने हम पे ट्रस्ट किया है कि वो उसको क्लियर कर पाए तो इस बार जैसे इकोनॉमी डिफिकल्ट आ गया तो ये ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन ओवरऑल एज ए इंस्टीट्यूशन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपको जानना है अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे राहुल ने क्वेश्चन पूछा है सर हाउ टू प्रिपेयर साइंस एंड टेक विदाउट कोचिंग देखो विदाउट कोचिंग जो है पढ़ने का एक तरीका है मैं आपको बता देता हूं जैसे मान लीजिए आपने क्या किया आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आपने न्यूज़पेपर के अंदर ये नहीं करना कि उसके नोट्स बहुत ज़्यादा बना लेने हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आपको नहीं पता कि कौन सी न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी कम है तो आप सिर्फ सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ो उसके बाद देखो कि यूट्यूब पर बहुत से फ्री है जहाँ पर करंट अफेयर पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर कौन से टॉपिक उन्होंने पिक किए वो टॉपिक आपको पढ़ने धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है अब बात कर लेते हैं दूसरी कि यूपीएससी क्या पूछता है जब यूपीएससी क्या करता है कोई करंट अफेयर के अंदर न्यूज़ है तो वो क्या करता है इस करंट अफेयर की न्यूज़ का जो हिडन टॉपिक है जो बैकग्राउंड के अंदर है ठीक है जो जिसको हम बेसिक बोलते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है तो जब आप पी टी पढ़ते हो वहाँ पर क्या होता है कि आपको बिल्कुल शॉर्ट के अंदर दो दो लाइनें हर एक टॉपिक पर बताई जाती हैं उससे क्लियर नहीं होता ये मैं आपको पहले बता देता हूँ इवन जब आप हमारी या मेरी जैसे साइंस एंड टेक की वीडियोस देखते हो या कंटेंट देखते हो तो हार्डली सिक्सटी परसेंट जो है पीटी टी थ्री सिक्सटी से मैच करता होगा उसके अलावा वहाँ पे मैं कुछ ऐसे टॉपिक करवाता हूँ जैसे वो करवाते नहीं हैं या फिर वहाँ पर कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो मेरे मटीरियल में नहीं है मैं यहाँ पे इसको वही चीज़ पकड़ता हूँ जो करंट अफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका बेसिक हम कवर करवाते हैं ये आपको ध्यान देना ये हर सब्जेक्ट के ऊपर लागू होता है बिकॉज यू पी एस सी की अगर ती जैसे मान लीजिए करंट है तो यू पी एस सी ने लगा ये सभी बच्चों ने पढ़ा होगा लेकिन क्या बच्चों ने उसको कॉन्शियसली पढ़ा कॉन्शियसली मतलब कि क्या उसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया है अगर किया है तो वहाँ पर आप जो है इसको क्लियर कर पाओगे ठीक है दोस्तों बेसिक कैसे पढ़े कॉमर्स के स्टूडेंट हूँ तो चीज डॉन ने पूछा है देखो नाम डॉन डॉन वाला है यार और कर रिक्वेस्ट रहे हो ठीक है धमकी से पूछे यार है ना तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि उसके बेसिक कैसे कवर करें है ना तो देखो बेसिक अगर आपने कवर करने हैं तो एक तो जो अपनी बेसिक साइंस है उसके ऊपर जाना होगा और दूसरा जो है जो भी करंट है उसके एस्पेक्ट से हमें बेसिक पढ़ना है इवन जो आप फिफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हो उसके अंदर लगभग हर एक चीज़ का बेसिक कवर किया जाता है तो उतना बेसिक होता है बाकी करंट के साथ ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ क्योंकि बहुत से बच्चे देखता हूं मैं साइंस एंड टेक के अंदर क्या करते हैं करंट अफेयर जो है उसको उठा लेते हैं वो गलत है करंट अफेयर जो है उसका बेसिक जानना है उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी फ्यू मिनट भी है मैं आपको ज़्यादातर टॉपिक जो है मैं बताऊंगा आपको फ्यू मिनट के अंदर में हमने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है फ्यू मिनट एंड प्रीमिक्स इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं ठीक है थीके? इसके अलावा अपना जो दूसरे कोर्सेज तो ही है ही हैं लेकिन मैं यहाँ पे उन बच्चों को बात कर रहा हूँ जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई दिक्कत है उसके अंदर ठीक है बेस्ट बुक कौन सी है देखो बेस्ट बुक कोई भी नहीं है इसकी ये एक आप समझ सकते हो कि एक ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है कि आज मैंने कुछ पढ़ाया तो कल उसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेशन हो जाती है कंटिन्यूटी इसीलिए रहती है इसकी बुक है ही नहीं मैं इवन आप जान के आपको हैरानी होगी मैंने आज तक जिंदगी में साइंस एंड टेक की कभी बुक कोई पढ़ी नहीं है मेरे पास एक बुक भी नहीं है साइंस एंड टेक की ठीक है जो भी मैं पढ़ाता हूँ करंट अफेयर और बेसिक उसको मिला के ही अपने हिसाब से उसको पढ़ाता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएससी किस तरह से चीज़ों को निकालता है अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसका बेसिक क्या है जैसे मान लीजिए आप बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जो निकल चुका है उसके ऊपर फोकस करते हैं जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने एक मेरे से रिक्वेस्ट की जो रिसेंटली प्री से पहले वो था थ्री पेरेंट बेबी है ना थ्री पेरेंट बेबी ये थ्री पेरेंट बेबी के ऊपर दोस्तों 2020 और 21 के अंदर आ चुका तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके ऊपर दोबारा आए यूपीएससी ने दो बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया हम उसको जानना चाहते हैं तो जो निकल चुका है उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस मत करो जो आने वाला है जो फ्यूचर के अंदर आ सकता है उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए तभी हमारी बात बनती है अब मैं कुछ कमेंट लूँगा जो कल हमने जो अपना आंसर की निकाली उसके अंदर बहुत से बच्चों ने कमेंट डाले तो यहाँ पर कमेंट जो हैं <laughs> मैं आपसे वो यहाँ पे बताऊंगा कमेंट क्या, क्या क्या है मैंने पॉजिटिव कमेंट नहीं लिए पॉजिटिव कमेंट ऑलरेडी बहुत से हैं मेल की कुछ बच्चों ने लेकिन मैंने कुछ ऐसे जो कंसर्न है आपके उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ क्या जवाब मेरे रहेंगे तो मैंने पूरे वहाँ पे आज मॉर्निंग के अंदर ही जो जो कमेंट थे नेगेटिव उसके ऊपर बात की यहाँ पे एक जो है कुशाल तिवारी ये पूछते हैं कि सर जो एटी स्किल और ट्वेंटी लक अब क्या है एटी लक एंड ट्वेंटी स्किल ये बन गया है यूपीएससी तो दोस्तों क्या वाकई ही आपको लगता है एक बार आप अपना खुद एनालिसिस करो कि क्या 80 परसेंट लक लक भी जो है दोस्तों ये आपका जो है आपकी मेहनत से आता है अगर आपने जितनी ज़्यादा मेहनत की है उ, 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 उसके हिसाब से ही जो लक आपका जो चांसेस है वो इनक्रीज़ कर जाते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर तो हमें ऐसा नहीं सोचना बिकॉज जब हम ऐसा सोचते हैं तो बहुत से बच्चे जो इसको क्लियर करना चाहते हैं या आप खुद भी डीमोटिवेट हो जाएंगे ऐसा नहीं होता एक गारंटी मैं आपको हंड्रेड देता हूँ अगर आपने इस एग्ज़ाम के अंदर जो है प्रेपरेशन अपनी अच्छी कर ली है ना अच्छी मतलब कि आपने पूरा रिलीजियसली उसको पढ़ा है तो आप ज़िंदगी के अंदर कभी फेल नहीं होगे चाहे आप यूपीएससी निकालो एस निकालो आप स्टेट का एग्ज़ाम निकाल दोगे या कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल दोगे या फिर आप टीचिंग जॉब के अंदर भी आ सकते हो है ना वहां पे भी बहुत से मेहनती बच्चों की ज़रूरत है तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका ऐसा नहीं कि फ्यूचर ख़राब हो जाएगा फ्यूचर कभी ख़राब नहीं होता हम भी तो हैं हमारा कौन सा क्लियर हुआ लेकिन हम भी आज पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कवर कर रहे हैं संभव राणा ने क्या बोला है इन्हों बोला कि इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जैसे वोटों के टाइम पे न्यूज़ चैनल को होती है देखो एक्साइटमेंट क्या होती है कि जब भी एग्ज़ाम होता है आप यकीन मानो एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं रात को सो नहीं पाता उसका रीज़न ये है कि जो मैंने बच्चों को पढ़ाया जो आप जो आप ज्वाइन करते हो मुझे ज्वाइन करते हो या हमारे बाकी टीचरों को वो हमारा और आपका एक ट्रस्ट है आपने पैसा दिया है हम आपको वो चीज़ें डिलीवर कर पा रहे हैं जो यू पूछती है तो वो एक अकाउंटेबिलिटी का टाइम होता है एग्ज़ाम डे एक अकाउंटेबिलिटी का टाइम है टीचर की अकाउंटेबिलिटी कितनी है अब उस टाइप के ऊपर अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बिल्कुल होता हूँ मैं एक्साइटेड होता हूँ जब हमने कोई कवर करवाया होता है बच्चे का और हमें खुशी इस बात की होती है कि बच्चे ने उसको सही किया होगा तो ये एक्साइटमेंट जरूरी है एक्साइटमेंट के बिना हम टीचिंग कैसे कर पाएँ अब बात करते आर्य ने क्या बोला है ठीक है बिल्कुल डिफरेंट हाँ इन्होंने ये बोला कि सर पोस्ट एनालिसिस करना बहुत इजी है बट एग्ज़ाम के अंदर जो है वो बहुत डिफरेंट सिचुएशन होती है बिल्कुल होती है इसीलिए दोस्तों हम ये बार बार कहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो इसको अटैम्प्ट करो इसके अंदर ही आपको एग्ज़ाम जैसी सिचुएशन अभी मिल जाती है तो ये टेस्ट सीरीज़ को हम कितना प्रमोट करते हैं क्यों करते हैं ताकि बच्चे जो हैं एक राइट पाथ पर रहें अब आगे एक लेते हैं I thought discussion video, but ये नो वोला आई थॉट डिस्कशन वीडियो बट ये ऐड निकला देखो ऐड करना ज़रूरी होता है ऐड हम इसलिए करते हैं हमने कोई ऐसा नहीं कि प्रमोशनल वीडियो बना दी या कुछ आ, अगर हम बात करें कि कोई ऐड लगा दी पेड ऐड कोई कोई ऐसा स्लीपी का आपने देखा होगा कि आते नहीं है हमारा ये मकसद होता है कि हम जो काम करवा रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताएं ताकि आपको पाँच पाँच लाख रुपए तो नहीं खर्चने पड़ते है ना एटलीस्ट तो आप कम पैसों के अंदर वो चीज़ें ले सकते हैं तो ये जरूरी है ठीक है दोस्तों अब यहाँ कृष्णा ने पूछा है जिस लड़के ने भी पेपर सॉल्व किया है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है ये वही बात कर रहा हूँ मैं जो हमने क्वेश्चन पेपर दिखाया था वो बहुत अच्छे उन्होंने अटैम्प्ट किए तो हमें उस लेवल को अचीव करना है है ना कि रेदर के हम उसको क्रिटिसाइज़ करें इवन आजकल कर आप मैं आपको एक जनरल बोलता हूँ कि आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियो देखी होंगी आंसर की की जिससे जिसने ये बोला कि यार ये बहुत डिफिकल्ट पेपर था बच्चों को नहीं आता था यूपीएससी पता नहीं क्या पूछ लेती है उसके व्यूज़ देखिए क्योंकि लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं लोग ये कहते हैं कि हमें कोई बताए कि हाँ ये वाकई में डिफ़िकल्ट था मैं ये बोलता हूँ डिफिकल्ट है लेकिन हमें ये मानना क्यों हमें यूपीएससी हर बार बोलता है कि सत्तर क्वेश्चन जो है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो पचास जो हंड्रेड के आसपास आपकी कट ऑफ रहती है तो हमें फिर बाकी तीस के ऊपर क्यों इतने चर्चा करने की बहुत डिफिकल्ट हैं जो नहीं अटैम्प्ट करने वो छोड़ दो है ना सिंपल बात है तो अब यहाँ पे बात करते हैं आगे क्या कमेंट है अनुज तिवारी का यहाँ पे बात हो रही थी वॉल बच्चे बैक्टीरिया की तो इन्होंने बोला कि एक क्वेश्चन आ जाने से कुछ नहीं होता पूरा पेपर अटैम्प्ट करना होता है तो मैंने आपको बताया कि जब एक क्वेश्चन जिस बच्चे के एक या दो मार्क्स जो हैं वो कटअप से कम है उसे पूछिए एक क्वेश्चन की वैल्यू जिसका जो फाइनल रैंक के अंदर एक दो मार्क्स कम है उसे पूछिए कि वो एक दो मार्क्स की वैल्यू क्या होती है तो एक दो मार्क्स से ही दोस्तों हमारा पूरा ये सारा काम बनता है अब यहाँ पे एक है डी एस री पी क्लासेस जिस दिन पेपर हुआ उस दिन ये सब काम मत किया करो सारे गाली सुनाते हैं सुनाते हैं दो है ना अगर हम देखें अब अप, अपने जैसे हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो अपने फ्रीडम फाइटर उनको कितने लोगों ने रोका तो क्या उन्होंने उस पे टाइम पे छोड़ देते हैं, तो देश आज़ाद कैसे होता तो हम भी तो एजुकेशन की फ्रीडम पे काम कर रहे हैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं उनके हम इक्वल हैं भाई हम उनके जो पैरों की धूल की मिट्टी के बराबर भी नहीं तो हमें ये हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं तो ये चलता रहेगा आगे आगे चल के तो देखते हैं क्या होता है चलिए तो अब यहां पे हम थोड़ा सा आगे देखते हैं अब आप, आपके पास दो चांस है ठीक है दो यहाँ पे ऑप्शन हैं या तो आप यहां पे बिल्कुल क्विट कर दें ठीक है हम क्विट कर दें कि हम यार बड़ी डिफिकल्ट है हम इसके ऊपर कर नहीं सकते या फिर जो है अगेन ट्राई करें अगेन ट्राई करने वालों को दोस्तों तभी एग्जाम क्लियर होता है तो आप जब पहले अगर हो गया जो हो गया उसको छोड़ दो आगे क्या करना है है ना मूव मूविंग फॉरवर्ड क्या करना है उसके ऊपर फोकस करते हैं चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं पहला था वॉलबेचिया मेथड तो हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था ये मॉस्किटो के लिए ही है कि मॉस्किटो जो है बहुत ज़्यादा डिजीज जो है स्प्रेड करते हैं स्पेशली हम डेंगू वायरस की हमने एक एग्जाम्पल ली थी एडिस एजिपटाई मॉस्किटो की बात की थी तो इसका आंसर जो है वो ए ही है अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर वॉलबेचिया मेथड की हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई हम एडिस एजिपटाई मॉस्किटो की बात करते हैं तो कोई पर्सन है ये इसको डेंगू है ठीक है अब ये पर्सन जो है ये अनअफेक्टेड है इसको कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे होगा क्या कि जो मॉस्किटो है वो इसको बाइट करेगा ये मॉस्किटो है इसको बाइट करेगा तो यहाँ से क्या होगा जो डेंगू वायरस है डेनवी ठीक है ये इसकी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रेवल कर जाएगा उसके बाद ये जब इसको बाइट करेगा तो ये जो है इसकी इसको भी डेंगू हो जाएगा राइट हमने एक तरीका निकाला हमने बोला कि इस मॉस्किटो के अंदर हम वॉलबेचिया बैक्टीरिया डाल देते हैं अब वॉलबैचिय जैसे बैक्टीरिया डाला तो मॉस्किटो इसको बाइट करेगा तो ये जो डेंगू वायरस है सेम जैसे ऊपर बताया ये इसकी बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगा तो अब जो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर दो चीजें होंगी एक वॉलबैचिय बैक्टीरिया दूसरा डेंगू वायरस अब अगर मॉस्किटो इसको बाइट करेगा नॉर्मल पर्सन को क्या उसको डेंगू होगा कम चांसेस है क्यों कम चांसेस है क्योंकि इस केस के अंदर मॉस्किटो की बॉडी के अंदर दो चीज़ें हैं एक वाल बैक्टीरिया दूसरा डेंगू वायरस दोनों आपस में कंपीट करेंगे तो ज़्यादातर हमने देखा है कि वॉल बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है डेंगू को इतना ग्रो नहीं होने देता अगर ग्रो नहीं होगा तो इसको बाइट करके जो है इसको बॉडी के अंदर ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा तो ये हमने देखो यूट्यूब के ऊपर वीडियो थी अभी रिसेंटली आठ दिन पहले ए डेज अगो की ठीक है अब ये लास्ट ईयर भी करवाया था लेकिन अभी जो एक आठ दिन पहले हैं मैंने इस वीडियो को दोबारा करवाया कि मैं उस वीडियो के लास्ट में आपने देखना मैंने एक चीज़ बोली थी कि मुझे यकीन है कि इस बार भी जो है यू इसको पूछ लेगी है ना तो ये हमने बदल रहा था मैंने मन मन में ये सोचा था कि अगर इस बार नहीं पूछा तो आगे से करवाऊंगा नहीं लेकिन यू ने हमारी जो है इज्जत रख ली अब कार्बन फाइबर कार्बन फाइबर के ऊपर जो है आप हम जब देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा था है ना ये अप्लाइड क्वेश्चन था कार्बन नैनोट्यूब कार्बन से बनी बायोडिग्रेबल यूपीएससी ने बोला कि हाँ ये बायोडिग्रेबल हैं तो यहाँ पर भी जो है कार्बन फाइबर की जब हम बात करते हैं तो क्या ये बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई कैन नॉट बी रीसाइकल्ड देखो पहले तो ये रिसाइकल नहीं होती थी ठीक है मतलब कम उसकी जो एफिशिएंसी कम थी बट रिसेंटली हमने कुछ नई टेक्निक्स यूज़ किए हैं जिससे रिसाइकल हम कर पा सकते हैं तो यहाँ पे जो है इसका आंसर ए बनता है अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था बच्चों के लिए लेकिन डूएबल था क्योंकि एक स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे निकल चुकी है अब यहाँ पे आगे चलते हैं आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है पल्सर नेबुला सिफेड सफेड के बारे में हमें नहीं पता चलो ठीक है नेबुला हमने जब बिग बैंग को पढ़ा तो हमने ये बोला कि उस टाइम के ऊपर क्या है कि जो बहुत से गैसेस है वो उनके क्लाउड्स बन के गैसेस टस्ट के है ना तो इट मीन्स के ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इससे रिलेटेड है तो इसका मतलब ये वाली गलत है तो ये सफेद तो ये हो नहीं सकता ये भी गलत है अब पल्सर क्या है पल्सर बेसिकली न्यूट्रन स्टार जब डेथ होती है उस टाइम के ऊपर जो है वो पल्सर भी बनते हैं मैग्नेटार भी बनते हैं तो अगर आप यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखोगे तो यहाँ पे मैंने वही बताया था ये क्या है एन एस ए न्यूट्रन स्टार न्यूट्रॉन स्टार कैन बी पल्सर ठीक है और मैग्नेटार मैग्नेटार जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है राइट सो इट मीन्स के अगर मैं ये बोलूँ नेक्स्ट ईयर अब यू पूछ ले कि सारे मैग्नेटार जो हैं वो पल्सर होते हैं ये सारे मैग्नेटार हैं न्यूट्रल स्टार होते हैं होते हैं लेकिन क्या सारे पल्सर जो हैं मैग्नेटार होते हैं नहीं होते हैं। ये आपने सी सेट के अंदर ये चीज़ पड़ी होगी इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं अब यहाँ पे बात करें तो मैग्नेटार एंड पल्सर की तो हाई मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होती है ये मोर जो मैग्नेटार है वो गामा एंड एक्सरे ज़्यादा मिट करते हैं लेकिन पल्सर जो हैं वो तेज़ी से घूमते हैं स्पिन तेज़ी से करते हैं और वो वेव मिट करते हैं ठीक है यहाँ पे हम ये ध्यान रखना है तो मैग्नेटार स्लो मिट जो रोटेट करते हैं पल्सर जो है वो तेजी से स्पिन करते हैं राइट ओके सफेद जो है ये बेसिकली स्टार्स हैं जो ब्राइटन होते हैं देन डिम होते हैं पीरियोडिकली तो ये जो है अपनी गलेक्सी के अंदर भी पाए जाते हैं और भी जगह पे पाए जाते हैं ये इसका सोर्स गया है नासा मैं हमेशा जो है सोर्स भी आपको ज़्यादातर बता देता हूँ क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ कि साइंस एंड टेक के अंदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन ओन नेविगेशन सेटेलाइट ये भी जो है यूपीएससी के लास्ट वीक के अंदर आपको एक वीडियो मिलेगी लास्ट ईयर भी मिलेगी ठीक है तो यहां पे इसके अलावा जो है जो अपने बेसिक उसके अंदर तो यही है तो यहां पे ये शॉर्ट था शॉर्ट के अंदर मैंने बताया था किन किन के पास नेविगेशन सेटेलाइट है ठीक है अब यहाँ पे जैसे सुचित ने बोला फिफ्टीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही ये सवाल सही हो गया ठीक है थैंक यू वेरी मच तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे क्वासी जेनिस जिसको मिची बिकी भी बोलते हैं मैंने आपको ये भी बताया था अब ये जापान का है ये थोड़ा सा ऊपर आ गया उसके जो बैकग्राउंड के ऊपर आपको दिख रहा है ये नेविगेशन सेटेलाइट है यूएस का है जीपीएस है रशिया का ग्लोनास है यूरोपियन यूनियन का गलीडियो है चाइना का बेडू ये ग्लोबल हो गए रीजनल की बात करें जापानीज़ का मिची बिकी या क्वासी जेनिथ इंडिया का आई या नेविक राइट ओके देन ब्लिस्टिक मिसाइल्स और इसके ऊपर अग्नि अग्निफाइव के ऊपर यहाँ पे आपको प्रीमिक्स के अंदर भी ये मिलेगा प्रीमिक्स के अंदर एक क्वेश्चन था इसके ऊपर मैंने बनाया और कोई भी कोर्स हो चाहे वो अपना रैपिड रिविजन हो चाहे वो अपना क्रैश कोर्स हो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो सभी के अंदर ये टॉपिक है अब यहाँ पे आपको ये स्लाइड भी दिखेगी ये स्लाइड जो है मैंने इसी तरह से रखी हुई है यहाँ पे ब्लिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच में जो है फ़र्क हम मैंने बताया था मैंने ये बताया था आपको यहाँ पे जैसे लेट से ओके तो यहाँ पे हम सीधा स्लाइड के ऊपर भी चले जाते हैं यहाँ पे तो मैंने आपको यह बताया था कि जैसे मान लीजिए दोस्तों ये बलिस्टिक मिसाइल है वो इधर से इधर मूव करती है तो फर्स्ट फेज के अंदर हम फोर्स लगाते हैं और ये आउटर एटमोसफियर के अंदर भी जाती है तो इट मीन्स कि वहाँ पर हमें ऑक्सीजन जो है कैरी करनी पड़ेगी तो ऑक्सीजन जिसके अंदर कैरी करते हैं क्योंकि तो फ्यूल बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो वो क्या है रॉकेट इंजन को साथ मैच करती है दूसरा है क्रूज क्रूज़ ज़्यादातर क्या है अपने एटमॉसफेयर के अंदर रहती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटमॉसफेयर से ले सकती है तो ये जेट इंजन से जो है मेल खाती है अब हमें इतना पता है जो बेसिक है ठीक है तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दी थी मैंने ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज़ मिसाइल है अग्नि मिसाइल जो है बलिस्टिक मिसाइल है ओके तो हमने यहाँ पे देखा तो पहले जो है उल्टा लिखा हुआ है जो मैंने बताया उससे उल्टा लिखा हुआ तो ये स्टेटमेंट गलत होगी सेकंड जो है अग्नि मिसाइल जो है इन्होंने बोला कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बलिस्टिक मिसाइल ये भी उल्टा लिखा हो तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत होगी तो अपना जो आंसर है यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है वो कोई भी दोनों में से करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर ओके देन आगे मूव करते हैं यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन देखो ग्रीन से लेना देना नहीं है यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन के ऊपर बात की गई है ग्रीन एक मेथड है प्रेपरेशन का पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे बेसिक मैंने ये आपको करवाया हुआ है कि जो कार् हाइड्रोजन है वो अलग अलग टाइप से बनती है जैसे मान लीजिए कोल से बन रही है और वहाँ पर जो सी ओ के अंदर जा रही है तो इट मीन्स के सी ओ टू के अंदर जा रही है तो वो पोल्यूशन है, है ना तो वहाँ पर उसको बोलते हैं दोस्तों वहाँ पर ब्राउन हाइड्रोजन अगर यही मैं हाइड्रोजन नेचुरल गैस से बनाता हूं लेकिन उस बनाने की प्रक्रिया के अंदर भी सी ओ टू एटमोसफेयर के अंदर जा रही है तो उसको बोलते हैं ग्रे तो मतलब ये भी पोल्यूटेड है इतनी क्लीन नहीं है लेकिन अगर मैं जब नेचुरल गैस से बनाता हूं उस टाइम पे जो सी टू रिलीज हो रही है उसको मैं क्या करता हूं स्टोर कर लेता हूं एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जाने देता तो वहां पे क्या है थोड़ी और क्लीन बन गई हाइड्रोजन उसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन जो उसका एक मेथड है बहुत से मेथड है एक मेथड है वाटर से हम बनाते हैं जब वाटर को ब्रेक डाउन करके हम बनाते हैं तो उस केस के अंदर जो है हमारा पोल्यूशन नहीं होता तो इसीलिए ये क्लीन हाइड्रोजन है अब यूपीएससी ने यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया सिंपल हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं पहला है इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज फ्यूल फॉर इंटरनल कंबस्टन इंजन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है हमने फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में पढ़ा था मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना इलेक्ट्रिसिटी वाटर वेपर ये सब कुछ बनता है बाई प्रोडक्ट राइट अब फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर क्या है कन्वेंशनल इंटरनल जो कंबस्टन इंजन है लेकिन इंटरनल कंबस्टन इंजन तो घूमता है फ्यूल सेल जो है अपना स्टेशनरी रहता है इसलिए फ्यूल सेल के अंदर नॉइस नहीं है इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर नॉइस है तो मूविंग पार्ट जो, जो है अपने इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर आते हैं तो यही यहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया था तो इस हिसाब से अपनी ये जो स्टेटमेंट सही है दूसरा इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस अब यू ने ये इन्वायरमेंट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर उन्होंने जो है एच सी एन जी जो दिल्ली ने अप्लाई किया था उसके ऊपर बात की थी तो यहाँ पे भी ये देखो ये वीडियो के अंदर मैंने लिखा कि यूपीएससी ने ये चीज़ पूछी हुई है कि नेचुरल गैस के साथ उन्होंने मिक्स किया था वही स्टेटमेंट उन्होंने सेकंड बोल दी उन्होंने क्या बोला कि हाँ इसको ब्लेंड किया जा सकता है किया जा सकता है एज ए फ्यूल सेल हम इसको रन कर सकते हैं वो तो है ही है। है ना वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया यहाँ पे तो यहाँ पे भी अपना आंसर दोस्तों वो है सारे क्वेश्चन सही सॉरी ऑप्शन सही है तो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमने वहाँ पे बात की थी फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन इंसर्ट की हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक होगी इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करेगा और एच पॉजिटिव जो है वो इधर आ जाएगा अब ये एच पॉजिटिव यहाँ पे चला गया इलेक्ट्रॉन इधर से वापस आ गया जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट जनरेट हो गया करंट अपना मिल गया ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया हमने ऑक्सीजन यहाँ पे यूज की तो ये तीनों कंबाइन करके देन लास्ट में जो है वाटर यहाँ पे जो है बाहर निकाल देते हैं राइट तो इस तरह से जो है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी काम करती है ठीक है ये उसकी दोस्तों जो स्लाइड्स हैं जिसके ऊपर बात की अब क्वेश्चन नंबर एटी जो था ये स्टेटमेंट दो है इसके अंदर यहां पे देखिए इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादातर तब भी कोल के ऊपर हम डिपेंडेंट है सेकेंड स्टेटमेंट क्या करती है यूरेनियम इनरिस्ट टू एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट कि अगर हमें मुझे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो मुझे यूरेनियम की एनरिचमेंट एटलीस्ट यहाँ पे वर्ड है एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट चाहिए तो ये स्टेटमेंट जो सेकेंड गलत है क्यों गलत है उसके ऊपर बात करते हैं ओके okay. यहाँ पे ये देखिए इसको हमने डिस्कस किया कि इंडिया का एनर्जी मिक्स क्या है अराउंड 51 से 52 परसेंट हम कोल के ऊपर डिपेंडेंट हैं न्यूक्लियर जो है वो 1.7 परसेंट है तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी जो है वो सही है है ना तो यहाँ पे ये बात होगी अब यहाँ पे बात करते हैं तो सेकंड के यूरेनियम एनरिचमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है ये क्रैश के अंदर भी है रैपिड के अंदर सभी के अंदर है तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जैसे आपको ईरान का केस डिस्कस किया था मैंने जे सी पी ओ ए का जे का ठीक है वहाँ पे क्या हुआ कि जो ईरान है अब जैसे मान लीजिए हम नेचुरल यूरेनियम की बात करते हैं वहाँ पे यूरेनियम 235 जो है 0.7 परसेंट है बाकी यूरेनियम 238 की मेजर परसेंटेज है उसके अंदर तो ये हमारे काम का है लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम है तो हम क्या करते हैं इसकी परसेंटेज को इनक्रीज करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप ऐसा करो कि यहाँ पर सपोज करो यूरेनियम जो टू एंड यूरेनियम टू ये दो अपने पास है ये है टेन और ये है हंड्रेड तो आप बोलोगे इसकी परसेंटेज कितनी टेन परसेंट मैंने क्या किया एक मशीन के अंदर डाला जिसके अंदर बोलते हैं सेंट्री फ्यूज यहाँ पे जो हैवी है यूरेनियम टू थर्टी एट ये साइड में चला गया मैंने यूरेनियम टू थर्टी फाइव को निकालता गया तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करो यहाँ से सॉरी ये जो है नाइन्टी है ठीक है अब यहाँ पर मैंने क्या किया इसका जो है फिफ्टी इसको बाहर निकाल दिया तो अब इसकी अमाउंट कितनी है फोर्टी है इसकी कितनी है टेन है तो अब दोनों हो गए फिफ्टी तो अब परसेंटेज यूरिडियम टू की कितनी है ट्वेंटी इस तरह से हम इनरिच करते जाते हैं ईरान ने बहुत ज़्यादा इनरिच कर दिया अगर आप पावर आप, आप पावर एक्टर की बात करें तो हमें फोर टू फाइव परसेंट इनरिचमेंट चाहिए रिसर्च एरेक्टर की बात करते हैं तो ट्वेंटी परसेंट चाहिए वेपन बनाना है तो वहां पे नाइन्टी परसेंट चाहिए तो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है तो यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है ठीक है दोस्तों ओके देन यहाँ पे एरियल मेटा जिनोमिक्स देखो ये टॉपिक डिफिकल्ट था टू बी ऑनेस्ट तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट uh, क्यों है तो अगर मैं बात करूँ कि साइंस बैकग्राउंड है या नॉन साइंस बैकग्राउंड है नॉन साइंस बैकग्राउंड को मैं मानता हूँ कि वो अटैम्प्ट नहीं कर सकते थे बट साइंस बैकग्राउंड जिन बायोलॉजी पढ़ी है जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है ट्वेल्थ के अंदर तो उनके लिए ये ईजी था यहाँ पे अगर हम देखें जिनोमिक्स तो जिनोम की बात कर रहा है है ना जिनोम की बात कर रहा है तो जिनोम से अगर हम बात करें तो हमने बताया हुआ है कि इसको तो हमने पढ़ा है कि डीएनए है अब लेकिन वहाँ पे ये टर्म जो आ गई ये टर्म डिफिकल्ट थी ठीक है ये टर्म आपसे मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट ने मे बी गलत की हो या फिर अटेम्प्ट नहीं किया हो इट्स ओके okay. तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना भी ठीक है तो यहाँ पे क्या है कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर एरियल से एयर है जीनोमिक्स की जब हम बात करते हैं बेसिकली मेटा की तो ये एक जेनेटिक uh, मटीरियल की स्टडी होती है एनवायरमेंट से तो यहाँ पे जो है वो पहला जो स्टेटमेंट अपनी ठीक है कोई बात नहीं अगर इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमने एनवायरमेंटल डीएनए पढ़ा था लेकिन क्योंकि यूपीएससी ने एनवायरमेंटल डीएनए ऊपर नहीं लिखा तो आप लोगों को वहाँ पे पता नहीं चला होगा कि है क्या है ना तो कोई बात नहीं इतना क्वेश्चन जो है अगर हम दस क्वेश्चन की बात करते हैं हालांकि यहाँ पर मैंने स्कीम्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं की बिकॉज वो स्कीम वाला अपना अलग सेक्शन है यहाँ पे सात क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते थे तो ये सेवेंटी बनता है टू मार्क्स के अंदर वन मार्क्स बनते हैं लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे बात करें कि वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर प्रेशर होता है तो फाइव टू सिक्स तो बनते थे ठीक है छः क्वेश्चन तो एटलीस्ट बनते थे तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है अगर नहीं पढ़ा तो कोई फिर दिक्कत नहीं है हम नेक्स्ट बार हम कर लेंगे इसके अंदर कोई इशू नहीं है अब यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट डी की बात की है देखो जो माइक्रो सैटेलाइट डी की जब हम बात करते हैं बेसिकली ये है क्या ये रिपीटेटिव डी होता है रिपीटेटिव डी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डी का पूरा स्ट्रेच है अब इसके अंदर कुछ जो बेस पेयर हैं ए सी या ए सी इस तरह से जो है रिपीट करते हैं ये अपने आप को रिपीट करते हैं इसको माइक्रो माइक्रोसेटेलाइट जो डी एन ए हम बोलते हैं अब ये जो रिपीट करते हैं तो सपोज करो पर्सन ए इसके अंदर ये चार बार रिपीट हुआ है पर्सन बी के अंदर जो है जो ए है और ये पर्सन बी है है ना इसके अंदर लट से तीन बार रिपीट हुआ है कोई और हो सकता है उसके अंदर सपोज करो आठ बार रिपीट हुआ है <Cuh> तो ये रिपीट जो है वेरी करता है ठीक है पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन ये वेरी करता है इस ही वेरी इसको बोलते हैं इसी बेस के ऊपर जो है हम जो है वो बेसिकली एक दूसरे का डिफरेंस क्या है वो इनहेरिटेंस क्या है वो सारी चीजें हम निकालते हैं डोंट वरी इस टॉपिक के ऊपर आने वाले टाइम के अंदर अगर कुछ और न्यूज में आता है तो इसको अलग तरीके से भी पढ़ाऊंगा मैं तो यहां पे जो है अपना जो ये स्टेम सेल की बात कर रहा है ये जो है बेसिकली एक, एक, क्लोन की बात कर रहा है ये एफिकेसी ऑफ एफ ड्रग की बात कर रहा है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है पहली स्टेटमेंट ही बात कर रही है तो यहाँ पे ए जो ए इज़ द राइट आंसर बट अगेन डिफिकल्ट था बहुत से बच्चों के लिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड ये दो क्वेश्चन नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए डिफिकल्ट थे साइंस बैकग्राउंड वाले किसी ने अटेम्प्ट किया होगा अप्लाई किया होगा तो हो गया होगा ठीक है इसके अलावा ये मैंने इसकी डिटेल इन्फॉमेशन दी है एप्लीकेशन क्या गया है जेनेटिक मैपिंग है पॉपुलेशन है फ्रेंसिक है है ना फ्रेंसिक लैब के अंदर भी मान लीजिए क्रिमिनल है तो उसके भी वो पैटर्न देखे जाते हैं उसके हिसाब से उसको ढूंढा जाता है देन बहुत सी इसकी एप्लीकेशन है जो लास्ट क्वेश्चन था वो था एक्सलेरोटर के ऊपर एक्सलेरोटर के ऊपर जब मैं बात करता हूँ दोस्तों ओके तो एक्सलेरोटर के ऊपर एक मिनट ओके ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिकल डिवाइस है ये बेसिकली इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है अब ये जो यहाँ पे ये टॉपिक जो है ना ये मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था उसने क्लास के अंदर के सर ये एक्सलैरोमीटर जो है ये क्या है ये बेसिकली एक टर्म थी तो वहाँ पे मैंने उसको बताया था लेकिन क्यों क्योंकि ये अपनी पीपीटी के अंदर एसिडिस नहीं है वह, वहाँ पे वैसा नहीं है कि मैं इसको बेस के ऊपर बोलूँ कि आप इसको सही कर सकते थे तो मैं इसको ये नहीं कहता कि हमने करवाया है ठीक है तो मैं इसको यहाँ पर क्विट कर देता हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है अगर हम बात करें इसका मीनिंग क्या है जैसे मान लीजिए बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे वाइब्रेशन होती है वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना होता है कि अगर यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए ये पोर्शन है एक ठीक है ये पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल है ठीक है यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पे जो है सिग्नल आता है मान लीजिए आप इस पोर्शन को हिला रहे हो वाइब्रेट कर है तो मैकेनिकल हो गया यहाँ पे ये क्या करेगा इस प्रेशर की वजह से चार्ज क्रिएट करेगा ये चार्ज को ये डिटेक्ट करेगा और उसके बाद उसको वोल्टेज या किसी पोर्शन के अंदर उसको तब्दील कर देगा जिससे हमें सिग्नल मिल जाता है तो कोई भी पोजिशन जैसे मान लीजिए गाड़ी गाड़ी की टक्कर हुई तो तुरंत जो है बेसिकली प्रेशर लगा रैक्ट करता है रेक्ट कैसे करता है वहाँ पे आपके जो है एयर बैग वगैरह खुल जाते हैं मोबाइल है आप जैसे हम बात करते हैं पोर्ट्रेट लैंडस्केप तो इस तरह से है या इस तरह से है तुरंत जैसे आपने इधर किया इधर प्रेशर लगा वो अपने आप स्क्रीन को रोटेट कर देता है ठीक है कार क्रैश के अंदर भी ये देखा जाता है लैपटॉप है आपका गिरा उस टाइम पे जो आ, हार्ड ड्राइव है वो बंद हो जाती है ताकि जो है वो वहाँ पे हमें लॉस ना हो तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है अपनी जो सही है तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर तो ये है दोस्तों कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताना चाहता था कोई बात नहीं अगर गलती होगी या फिर इस बार अच्छा नहीं हुआ एग्ज़ाम तो क्या हुआ लेकिन अगर आप ये देखोगे जिन्होंने इस बार अच्छा किया उन्होंने पास के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छा नहीं किया तो इस बार अच्छा हो गया तो आपका भी नेक्स्ट टाइम अच्छा हो सकता है तो ये बातें दोस्तों इसकी होगी अब जिनका बच्चों का क्लियर हुआ है या जो चाहते हैं दो का दोस्तों मेंटोरशिप कोर्स है अपना लाइव यहाँ पे हम करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं जो ऑलरेडी एक लाइव भी चल रहा है तो आप उसको देखिए और वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए ताकि क्योंकि इससे अगर हम बात करें जैसे क्रैश है या फिर हमने रैपिड रिविजन निकाला ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है यहाँ पे टेस्ट क्विज हैं ये सब कुछ आपको मिलते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए 100 प्लस क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप बैच फोर कोड यूज़ करके यहाँ पे इसके ऊपर डिस्काउंट ले सकते हैं इसके अलावा दोस्तों पी का मेंटोरशिप कोर्स है अपना ये तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मार्क्स मिल जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऐसा है जो आपका डिसाइड कर सकता है आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी तो ये आप इसको दोस्तों इसको भी आप बैच फोर जो है यहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हैं एंड देन दोस्तों सोशियोलॉजी ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको पता है बहुत से बच्चों ऊपर टॉप वाले बच्चे देखोगे तो सोशियोलॉजी पी एस ये होते हैं जूलोजी भी इस पर आया तो यहाँ पे आप बैच फोर यूज़ करके दोस्तों इसको भी अवेल कर सकते हैं तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि आपने जो पैसा स्पेंड करना है उसके लिए आप किसी न किसी को अकाउंटेबल ठहराओ उसे पूछो कि भाई क्या हुआ बताइए हमारे पैसे का So this is all so you next time thank you very much